हुई और देवकी की विदाई हो रही है और विदाई के साथ कंस देवकी के रथ को चलाने वाले जो खींचने वाले जो घोड़े थे कहते हैं उनमें लग गया, मेरी बहन जा रही है। होता है जब बेटी विदाई लेती है तो लगता है कोई प्राण शक्ति को छीन रहा है, जिसको पाला पोसा और भले ही कितनी जानी पहचानी समझी हुई जगह है जिस पर हमें विश्वास है कि बेटी के सब तरह के सुख वहां पर हैं, बेटी सब तरह से वहां पर सुखी रहेगी, लेकिन फिर भी वात्सल्य के आंसू कहीं छलकने लगते हैं, आंखों में कहीं तरलता आने लगती है। बड़े बड़े उस समय कहते हैं सामान्य व्यक्ति की बात तो क्या है, जिस समय शकुंतला विदाई लेने लगी थी उस समय शाकुंतलम में कविवर कालिदास ने कर्ण की व्यथा का वर्णन किया है। कर्ण कहते हैं सामान्य व्यक्ति की क्या वेदना होती होगी, मैं कल्पना कर सकता हूं आज मेरी पालिता बेटी औरस तो नहीं थी, औरस संतान तो नहीं थी, पालिता बेटी थी, लेकिन बड़े प्यार से पाला था। आज जब वो विदा हो रही है दुष्यंत के साथ तो कर्ण आहत हो गए, आंखों में आंसू छलकने लगे। कंस पूरे उस विदाई के वातावरण में संवेदना से भर गया, भावपूर्ण हो गया और देवकी को खींचने लगा। इसी के साथ आकाशवाणी हुई, आज तो जिसके साथ भावपूर्ण होकर ले जा रहा है, खींच रहा है, जिस देवकी को विदाई दे रहा है, इसी देवकी के गर्भ से तुझे मारने वाली संतान का जन्म होगा, आठवीं संतान का। यह सुनना है, कंस ने सोचा मूल को ही खत्म कर दो। और जैसे ही उसने तलवार उठाई है जो अभी तक भावपूर्ण था, जब उसे अपना ही अंत दिखाई पड़ा, देवकी से जन्म लेने वाले संतान के साथ, तो सोचा कि उस संतान की बात तो छोड़ो, इसी को खत्म कर दो, न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। इसी के साथ वातावरण बदल जाता है। वसुदेव जी महाराज ने समझाया है, कंस तुम्हें डर इससे नहीं, आकाशवाणी जो बता रही है तुम्हारे लिए काल ये नहीं, किंतु इसकी संतान है, जो भी इसकी संतान होगी, आठवीं की बात तो छोड़ दो, हम निश्चित ही तुमको दे देंगे, चिंता मत करो। उस इसी के साथ कंस ने विदाई के साथ जिनको राजमहल में जाना चाहिए था, अंतःपुर में जाकर जिनको कम से कम खुशियों के साथ समय बिताना चाहिए था, उनको जेल में बंदी बना दिया। और जेल में बंदी बनाने के साथ एक एक संतान जैसे जैसे जन्म लेती है उसको कंस के हवाले कर देते हैं और कंस उनको खत्म करता चला जाता है। सातवीं संतान का पता चला कि वो तो जन्म से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन ये तो उस मायामय मायापति की माया की लीला थी, गर्भ को हटा करके माया का कृत्य था, रोहिणी में स्थापित कर दिया गया है। क्या किस में स्थापित किया गया है? रोहिणी में।
आठवीं संतान की प्रतीक्षा है, लेकिन आश्चर्य होता है। जिसकी सात्विकता नहीं है, जिसकी पात्रता नहीं है, उसको आठवीं संतान होने का भी पता नहीं चलता। कंस की इतनी भी पात्रता नहीं है कि वो आठवीं संतान होने का ज्ञान कर पाता। आठवीं संतान के रूप में आने से पहले जेल में बंदी देवकी और वसुदेव की जो पूर्व जन्म की साधना थी, कश्यप और अदिति के रूप में जिन्होंने साधना की थी, तुम्हारी साधना को सफल बनाने के लिए और वर्तमान परिस्थिति में कंस के अत्याचार से इस पृथ्वी को मुक्त करने के लिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में पास आ रहा हूं, तुम्हारी कोख से जन्म ले रहा हूं, ये उसने अपने आप को प्रामाणिक रूप में ईश्वर ने, भगवान नारायण ने अपने वचनों की प्रामाणिकता को सत्य कर दिखाने की भावना से प्रकट कर दिया। देवकी ने देखा ये तेज, और उस तेज में दिव्य नील गगन कीशी अंग कांति, स्वर्णिम मुकुट, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, पीतांबर जिनके बदन पर लहरा रहा है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 माता ने देखा माता कौशल्या ने भी देखा था इसी तरह से, और माता कौशल्या ने कहा था आपका ये जो रूप है बड़ा सुखद है, बड़ा अद्भुत है, किंतु कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला, और वह सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। माता कौशल्या ने अपनी देसी भाषा में बात की, और यहां पर माता देवकी ने भी कुछ ऐसा ही चाहा होगा, ऐसा ही चाहा होगा। वही सुरभूप भगवान विष्णु सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, लेकिन कहा थोड़ा फर्क है, मुझे तो यहां रोने का भी अवसर नहीं है। अगर बच्चा जन्म ले रोए नहीं तो भी मां को परेशानी होगी, क्यों रोता नहीं है। मां का हृदय रो पड़ता है, मचल पड़ता है जब बच्चा रोने लगता है, क्यों रोने लगा ये तो मां ही समझ सकती है। लेकिन यहां तो रोने का भी वक्त नहीं है, संदेश दिया कि देखो मैं यहां रोऊंगा भी नहीं, मुझे चुपचाप यहां से बाबा नंद के यहां पहुंचा देना, और वहां जाकर किसी को भी पता नहीं चलेगा, देखो ये नटवर नागर है ना, चोरी तो करना ही है इसको, तो चोरी की बात पहले से ही सिखा रहा है,
चोरी की बात पहले से ही बता रहा है, युक्ति बता रहा है। भगवान कृष्ण युक्ति कुशल हैं और भगवान श्री राम मर्यादा रक्षक हैं, और भगवान श्री कृष्ण युक्ति कुशल हैं। युक्ति सिखा रहे हैं कि वहां जाना और मुझे ऐसे ऐसे ले जाना, और देखो वहां जाने के बाद किसी को भी पता नहीं चलेगा, ये मत सोचो कि तुम कैसे जाओगे, ये मत सोचो कि तुम्हें कोई देख लेगा, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, मेरी माया सबको सुला देगी, बाद में देख लेना इधर उधर, बाद में चर्चा कर लेना, माता सामने बैठी ये बात मत कर। उन्होंने कहा चिंता मत कर, कोई देख नहीं पाएगा, क्या यहां पर क्या हो रहा है किसी को भी पता नहीं चलेगा। भगवान की माया सबको आक्रांत कर लेती है। कहा कि वहां जाना और वहां एक कन्या है, वहां ले आना, और तुम मुझे यहां से ले जाना और उधर से ले आना। इसी के साथ भगवान कृष्ण जेल में जन्म लेते हैं। बोलो प्रेम श्री भगवान कृष्ण चंद्र करारविंदे पदारविंदम मुखा। बटस्य पत्रस्य कुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि करारविंदे विनवे। पटस्य पत्रस्य कुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम
Thank you.
श्रीमन्ना